हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स आज MS Excel की क्लास में हम डाटाबेस फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन कर लेंगे हम। सो डाटाबेस फंक्शंस में आज का हमारा फर्स्ट फंक्शन है डी काउंट फंक्शन, काउंट मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस। सो डी काउंट फंक्शन में हम डाटाबेस में मैचिंग रिकॉर्ड्स को काउंट कर सकते हैं और इसका सिंटैक्स है डाटा फील्ड फील्ड एंड क्राइटेरिया। सो इस फंक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ कस्टमर्स की IDs हैं, सिटी के नेम दिए हुए हैं, कैटेगरी दी हुई है एंड इनकी क्रेडिट लिमिट दी हुई है। सो ये एग्जाम्पल है और इसका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया गया है। क्राइटेरिया है, हमें काउंट करना है डिफ काउंट फंक्शन के थ्रू कि क्रेडिट लिमिट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 350,000 एंड क्रेडिट लिमिट लेस देन एंड इक्वल टू 750,000। सो इन दोनों के जो बीच में है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स बिटवीन द अबव क्रेडिट लिमिट, इन दोनों के बीच में हमें नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है डी काउंट फंक्शन के थ्रू काउंट करने हैं। तो ये हम करके देख लेते हैं और यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी जिससे हम नंबर ऑफ कस्टमर्स पता लगा सकेंगे। इक्वल्स टू, तो डी काउंट का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूं, डाटाबेस। फर्स्ट इसका जो सिंटैक्स है वो डाटाबेस है। सो डाटाबेस में मैं फुल टेबल जो है वो सिलेक्ट कर लूंगी यहां पर, कॉमा फील्ड। फील्ड में हम ले लेंगे, हमें किस फील्ड में पता लगाना है, क्रेडिट लिमिट में पता लगाना है, इसलिए हम क्रेडिट लिमिट फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे यहां पर। देन कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यहां पर क्या है हमारा, क्रेडिट लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 350,000 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 750,000। तो ये हमारा क्राइटेरिया है, तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे डी काउंट फंक्शन ने इसको काउंट कर दिया है, 4 आया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैनुअली भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 350,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 एंड 3 एंड 4। देखिए 4 ही आ रहा है, इन दोनों के बीच में है, सो 4 यहाँ पे एग्जैक्टली ये आ चुका है। और आप यहाँ पे फील्ड को, देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब द फील्ड इन डी काउंट फॉर्मूला और एनी डाटाबेस फॉर्मूला। तो यहाँ पे फील्ड को आप, मैंने यहाँ पे क्रेडिट फील्ड, क्रेडिट लिमिट ये वाली फील्ड को सिलेक्ट किया है। आप चाहे तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डाल के, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके देख लेती हूँ, अब चाहे तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्रेडिट लिमिट आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए रिजल्ट आपका सेम शो होगा। फिर थर्ड वे इज दैट आप इसको यहाँ से हटा दीजिए एंड फील्ड में आप यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दे सकते हैं, जैसे कि कॉलम नंबर, यानी कि जैसे कि ये कॉलम नंबर है 1 कस्टमर आईडी 2 सिटी 3 कैटेगरी एंड 4 क्या हुआ क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पे आप 4 भी टाइप कर सकते हैं एंड यहाँ पे देन आप प्रेस करेंगे एंटर। देखिए रिजल्ट आपका सेम शो होगा 4। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन इज डी गेट फंक्शन। द एक्सेल डी गेट फंक्शन गेट्स अ सिंगल वैल्यू इन अ गिवन फील्ड फ्रॉम अ रिकॉर्ड दैट मैचेस क्राइटेरिया। सो डी गेट फंक्शन जो है वो फील्ड में से सिंगल वैल्यू को हमें लाके देता है जो क्राइटेरिया से हमारे मैच करती हो, और इसका सिंटैक्स भी है सेम, डाटाबेस फील्ड एंड क्राइटेरिया। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो डी गेट फंक्शन है वो हमें नम एरर देगा अगर इफ मोर देन 1 रिकॉर्ड मैचेस क्राइटेरिया, यानी कि अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड हमारे क्राइटेरिया से मैच करेंगे तो ये नम एरर जो है वो देगा, या फिर इफ नो रिकॉर्ड्स मैच द क्राइटेरिया द एरर हैशटैग वैल्यू इज शोन। तो अगर एक भी रिकॉर्ड आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं करता तो ये वैल्यू एरर को शो करेगा। सो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। सो इस फंक्शन को भी हम क्राइटेरिया के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिटी कोलकाता, कैटेगरी में यहाँ पे होलसेल दिया हुआ है, ये हमारा क्राइटेरिया है सिटी कोलकाता एंड कैटेगरी होलसेल में हमें क्रेडिट लिमिट पता लगानी है डी गेट फॉर्मूला के थ्रू। तो यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब इक्वल्स टू डी गेट
डाटाबेस में फिर से हम वही अब डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, देन फील्ड में अब की बार हम फॉर एग्जांपल हमें क्रेडिट लिमिट ही चाहिए, तो हम इन्वर्टेड कॉमास में यहां पे क्रेडिट लिमिट कुछ स्टेप्स दे देंगे, देन अगेन कॉमा, अब हमें सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया है हमारा सिटी कोलकाता एंड कैटेगरीज होलसेल, तो हम इसको फुल अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ चुका है, 9 लाख। सो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मैनुअली, सिटी कोलकाता एंड कैटेगरी होलसेल में कैटेगरी क्या है, क्रेडिट लिमिट हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सिटी कोलकाता एंड कैटेगरी होलसेल में जो क्रेडिट लिमिट है वो 9 लाख है। सो यही आपका सेम रिजल्ट आपका डी गेट फंक्शन से यहाँ पे आ चुका है। सो इस टाइप से आप इस फंक्शन के थ्रू सिंगल वैल्यू जो है फील्ड के थ्रू ले सकते हैं। ओके, अब हम आज का नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। सो टुडेज नेक्स्ट फंक्शन इज डी मैक्स फंक्शन। द एक्सेल डी मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन अ फील्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैच क्राइटेरिया। सो जो डी मैक्स फंक्शन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू को फील्ड में से देता है और आपका जो क्राइटेरिया मैच कर रहा है उससे, और इसका सिंटेक्स भी है डाटाबेस फील्ड एंड क्राइटेरिया, सो सेम सिंटेक्स है इसका भी। सो अब यहाँ पे हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं, हमें चाहिए डेट सिटी हो दुर्गापुर, दुर्गापुर सिटी में मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट फॉर दुर्गापुर कस्टमर, तो हमें मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट पता लगानी है दुर्गापुर कस्टमर के लिए, तो यहाँ पे हम डी मैक्स फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू डी मैक्स, डाटाबेस में फिर से हम अबव डाटाबेस को फुल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, देन कॉमा, देन हम फिर से नीचे चलेंगे, फील्ड, फील्ड में हम फिर से यहां पे जो क्रेडिट लिमिट का था इस बार हम फोर्थ सीरियल नंबर दे देंगे इसका, सो यहां पे 4 कॉमा, क्राइटेरिया में हमें चाहिए सिटी जो हो वो दुर्गापुर हो, सो सिटी हम ले लेंगे यहां पे दुर्गापुर, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए इसका रिजल्ट यहां पे शो हो गया है, सो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है वो दुर्गापुर कस्टमर के लिए 6 लाख है, तो यहां पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट सही है या नहीं। सो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट फॉर दुर्गापुर कस्टमर्स, यहां पे सिटी जो थी वो दुर्गापुर थी एंड मैक्सिमम चाहिए था हमें, ये देखिए दुर्गापुर यहां पे आ रहा है, दुर्गापुर, दुर्गापुर एंड दुर्गापुर, सो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट यहां पे दुर्गापुर में यहां पे 4,25,000 है, यहां पे 1,50,000 एंड यहां पे 6 लाख, सो यहां पे मैक्सिमम क्या हो गया है 6 लाख, सो दुर्गापुर के लिए मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट क्या है 6 लाख, तो यहां पे इसने रिजल्ट आपको 6 लाख यहां पे शो कर दिया है। सो इस स्टेप से आप डीमैक्स फंक्शन के थ्रू मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। अब हम नेक्स्ट फंक्शन एंड आज का लास्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, डी मिन फंक्शन। द एक्सेल डी मिन फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू इन अ फील्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैच क्राइटेरिया। सो डी मिन फंक्शन के थ्रू हम मिनिमम वैल्यू यानी सबसे जो छोटी वैल्यू है फील्ड में से वो पा सकते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपके क्राइटेरिया से मैच करती हो, और इसका सिंटैक्स है डाटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, यहाँ पे सबका सिंटैक्स जो है वो सेम है। अब इसको भी हम एक क्राइटेरिया के थ्रू समझ लेते हैं, कैटेगरी है यहाँ पे रिटेल, यानी कि रिटेल कैटेगरी में हमें पता लगाना है दैट मिनिमम क्रेडिट लिमिट फॉर रिटेल कस्टमर्स, सो मिनिमम क्रेडिट लिमिट क्या है रिटेल कस्टमर्स के लिए वो हमें इस फंक्शन में पता लगाना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करूंगी, इक्वल्स टू डी मिन, डाटाबेस में हम फिर से वही फुली डाटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे अपना, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, अब नेक्स्ट है फील्ड, फील्ड में हम ले लेंगे क्रेडिट लिमिट, कॉमा, क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया में हमें चाहिए कैटेगरी रिटेल, सो हम इसको रिटेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सो मिनिमम जो है फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू दे दी है, मिनिमम क्रेडिट लिमिट फॉर रिटेल कस्टमर्स इज 1,50,000, सो इसको भी हम चेक कर लेते हैं यहां से, सो मिनिमम क्रेडिट लिमिट फॉर रिटेल कस्टमर्स, ये देखिए रिटेल
180 रिटेल, 150 एंड रिटेल 250, तो इसमें मिनिमम क्या हो गया 150,000। यहाँ पे रिजल्ट जो है आपको सेम शो हो रहा है डीमिन फंक्शन के थ्रू भी, ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर सेम रिजल्ट आया है। सो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सभी फंक्शन समझ में आ गए होंगे। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डाटाबेस फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आप नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहेंगे।